अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में कोरोना काल के लंबे समय बाद YMCA विश्वविद्यालय के ग्राउंड में हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने रिबन काटकर फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते लगभग एक साल के बाद फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हरियाणा के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू की ओर से किया गया। इस मौके पर YMCA विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि फरीदाबाद से फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है और अब आने वाले समय में ये खेल पंचकुला से सिरसा तक पहुंचेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हम सभी लोग एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी जो प्रतिभागी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भविष्य में जो एक सपना हम लोग देख रहे हैं कि स्वस्थ भारत की रचना जो हम सभी लोगों को करनी है और राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाना है, तो स्वस्थ मानसिकता के साथ में खेलों का बड़ा सहयोग हम सभी को मिलने वाला है। फुटबॉल का इसका मैच का आयोजन किया जा रहा है, खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो फुटबॉल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फरीदाबाद है उसके सारे लोग मिलजुल के इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो माहौल एक ऐसा बना हुआ है कि जो बहुत साल एक साल लगभग कोरोना की वजह से जो बंद पड़ा हुआ था, मैं देख सकता हूं कि बच्चों के जो फेस के ऊपर जो चमक है वो चमक निकल के आ रही है और ऐसे आगे आने वाले समय में और चमक बढ़े। फरीदाबाद के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फरीदाबाद के सहयोग से यहाँ पर एक टूर्नामेंट का शुरुआत हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हरियाणा फुटबॉल संघ का अध्यक्ष होने के नाते आज YMCA के वाइस चांसलर साहब के साथ, दिनेश जी के साथ और DFA के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर मेहता साहब उनके साथ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के राजावत साहब और अनेकों अनेक पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। जितनी भी टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ खेल को खेल की भावनाओं के साथ खेलेंगे। और मुझे गर्व है इस बात का कहने में कि 6,700 खिलाड़ी हरियाणा फुटबॉल संघ के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला फुटबॉल खेल हरियाणा में भी ऊंचाइयों को छुए, इसलिए हमारी इच्छा है कि गांव-गांव तक चौपाल चौपाल तक फुटबॉल की चर्चा हो और